नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी लाइव बैंक एग्जाम में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं SBI PU की क्लासेस और रेगुलर यहां पर SBI PU की क्लासेस होती रहेंगी। बीच बीच में आप लोगों को मैं मेंस की भी मेंस के भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाते रहूंगा। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों डिफरेंट ग्रुप्स में जहां पर भी आप ऐड हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और जुड़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, PDF आप लोगों को वहीं पर मिलेगा, ठीक है। और SBI PO की अगर आप प्लस की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो प्लस का कोर्स दोस्तों 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 16 मार्च से क्वांट और रीजनिंग दोनों कोर्सेस SBI PO प्रीलिम्स के स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये कोड अप्लाई करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए दोस्तों और देखिए आप लोगों को कितना समय लगता है। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया है मैंने, क्योंकि SBI क्लर्क के इजी लेवल के क्वेश्चंस तो हम काफी समय से करते आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो बना भी लिए होंगे। अब आप लोगों से वो उस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते होंगे, तो अब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करेंगे हम। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, दो दो तीन तीन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इतना ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे SBI PO में, बट फिर भी हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि पेपर कुछ भी हो हमसे बन जाए। इतने हाई लेवल का उम्मीद नहीं है दोस्तों, तो टेंशन मत लीजिएगा कि भाई ये तो बहुत हाई लेवल हो गया सर, इतना हाई नहीं आता। तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेवल कैसा भी आए, तैयारी हमारी जबरदस्त होनी चाहिए। पूजा जी, रीजनिंग का कोई बेसिक नहीं होता। अगर आप रीजनिंग में बेसिक का वेट करते रहोगे तो रीजनिंग में कोई भी बेसिक नहीं होता है। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना होता है। हर क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन होता है, यहाँ सब कुछ मेंशन है, इसमें क्या बेसिक पढ़ाना, इसमें कुछ बेसिक होता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई ट्रिक होगी, कोई अप्रोच होगी सॉल्व करने की, तो वो बिल्कुल मैं आप लोगों को बताते रहूंगा पूरा बेसिक से सारी चीज़ें। SBI PU का जो नया बैच है उसके टाइमिंग शाम को 6:30 बजे से 8 और 8:30 से 10 बजे, यानी रात को आप मान के चलिए 6:30 बजे से 10 बजे तक अगर आप 3.5 घंटे देते हैं तो 3.5 घंटे मोर देन इनफ है। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी। बाकी के जो 2 दिन रहेंगे वो 2 दिन मेंस की क्लासेस होंगी। आप मेंस के बैचेस भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी प्लस आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है सारे कोर्सेस का। 16 मार्च, डेली 11:30 बजे यहाँ पर क्लास होगी दोस्तों। तो डेली आया करिए, 11:30 11:40 तक स्टार्ट हो ही जाती है, 5-7 मिनट कभी कभार लेट हो जाता है। दस परसेंट डिस्काउंट वाला कोड मैं आपको आखिरी में बताऊंगा फिर से, ANKUSHYT10, अंकुश YT10। इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? इंग्लिश के लिए काफी सारे टीचर्स हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, सबकी क्लासेस आप देख सकते हैं।
कॉइन अप्लाई करने से 10% और डिस्काउंट आप ले सकते हैं। मेरे दोनों कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। बैंकिंग क्रॉनिकल में स्पेलिंग गलत कर देते थे काफ़ी स्टूडेंट्स, या बीच में स्पेस दे देते, इस वजह से वो कोड अप्लाई नहीं हो पाता था। तो आप अंकुश YT10 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्लर आ रहा है? नहीं, क्लियर है भाई, मैं भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे ही। आप यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर उसका रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, 360p 360 पिक्सल्स में आप आराम से क्लियर देख सकते हैं। हाँ, मेरी रेगुलर क्लासेस इसी टाइम पे होती हैं। चलिए, तो यहाँ पर डन के मैसेजेस आने चालू हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सॉल्व हो चुका होगा। अगर नहीं भी सॉल्व हुआ है दोस्तों, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को। बस कोशिश ये किया करिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो उसकी कंडीशंस को नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से समझते हुए इसको बनाने की कोशिश करेंगे। बेसिक से सारी चीजें समझाऊंगा, बेसिक से मतलब जो बेसिक अप्रोच होती है कि किस तरीके से आप लोगों को एक पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। मेन चीज यही होती है, अगर आप सही तरीके से स्टार्ट करेंगे तो आपसे पजल जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, 9% PDSRVMBZ एंड यू वर बॉर्न ऑन 3 different डेट्स, दैट इज 3rd, 5th and 8th ऑफ 3 different मंथ्स, जनवरी, अप्रैल एंड मई। तो जनवरी, अप्रैल और मई के 3 अलग-अलग डेट्स आपको दिए हुए हैं, 3, 5 और 8। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों को पहले भी बताया है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे हम, 3, 5 और 8, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम 3, फिर 5, फिर 8, फिर से 3, 5, 8, फिर 3, 5 और 8, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए छोटी लाइन बड़ी लाइन बहुत ध्यान दीजिएगा, ये छोटी लाइन, या थोड़ा लंबा ले लेते हैं इसको, फिर से छोटी लाइन, और ये जैसे ही मंथ खत्म होगा तो बड़ी लाइन दे देना है, फिर छोटी लाइन, ये छोटी और ये बड़ी लाइन दे दीजिए, और ये कुछ इस प्रकार से ऐसा बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहां पर 3 मंथ दिए ना, कौन कौन से, जनवरी, अप्रैल और मई, यहां पर लिख देते हैं। ये हो गया जनवरी, ठीक है, ये हो गया आपका अप्रैल, और ये हो गया मई, ठीक है। तो इसमें कौन सा कितने मंथ का होता है आपको ये भी नोट करना है, तो उसको भी नोट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जनवरी हो गया 31, अप्रैल हो गया 30, और ये हो गया 31। अब इसका जरूरत है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने अभी आगे पढ़ा नहीं है, बट फिर भी से ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। कभी भी मंथ वाला अगर आपको दिया जाता है तो ये आप हमेशा नोट कर ही लिया करो, ठीक है, क्योंकि आगे अगर आपसे पूछ देगा या बोल देगा तो आप फिर से उसको देखोगे, कोई मतलब नहीं है, पहले ही नोट कर लो। आगे आप क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। नो 2 पर्सन वर बॉर्न ऑन द सेम डेट ऑफ सेम मंथ, मतलब किसी भी एक जगह पे एक ही पर्सन आएगा, 9 अलग-अलग पर्सन आपको यहां पर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट आइटम, पेन, गोल्फ बैट एंड बॉल, मतलब सिर्फ 4 लोगों को कुछ आइटम्स पसंद है जिनके नाम यहां पर दिए हुए हैं, रेस्ट डज नॉट लाइक एनी आइटम, मतलब बाकी के जो लोग होंगे 5, उनको कुछ भी पसंद नहीं है, ठीक है। 4 लोगों को ये 4 चीजें पसंद है, पेन, बैट, गोल्फ और बॉल, ठीक है, और बाकी के 5 लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है। अब बोल रहा है, इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, द वन हु लाइक गोल्फ वॉज बॉर्न ऑन एन इवन डेट, गोल्फ वाला इवन डेट, दोस्तों यहां पर डेट का बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए याद रखिएगा, डेट इवन वाला बोल रहे हैं ना आपको, द वन हु लाइक गोल्फ वॉज बॉर्न ऑन इवन डेट। तो भाई इसमें इवन डेट कौन सी दिख रही है आपको, 3, 5 और 8 में इवन डेट 8 होती है, मतलब गोल्फ वाला या तो यहां पर आएगा, या तो यहां पर आएगा, या तो यहां पर आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, गोल्फ 8, गोल्फ वाला जो भी होगा ये 8 तारीख को आने वाला है, ठीक है। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक गोल्फ एंड आर,
3% बॉर्न होंगे गोल्फ और आर वाले के बीच में। चलिए तो यहां पर हम ऐसा बना लेते हैं, ये गोल्फ वाला है ठीक है, इससे 1, 2, 3 छोड़कर आर, कोई भी ऊपर हो सकता है कोई भी नीचे हो सकता है आपको नहीं पता ठीक। वी वॉज बॉर्न ईदर इमीडिएट बिफोर of the month of immediate after the month in which R was born, मतलब V जो है वो R के या तो immediate ऊपर होगा या immediate नीचे होगा, तो आप यहां पर V को ऐसा बना सकते हैं या फिर ऐसा बना सकते हैं, R के ऊपर V हो सकता है या नीचे हो सकता है और वो भी immediate ठीक। आगे बोल रहा है V likes bat, V को bat पसंद है, तो चलिए यहां पर मैं लिख भी देता हूं V को bat पसंद है, दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है आप किसी एक में ही लिख सकते हैं। अब बोल रहा है द वन हु लाइक बॉल वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर M एंड जस्ट आफ्टर Z, जिसको भी बॉल पसंद है यहां पर लिख देते हैं, जिसको भी बॉल पसंद है ठीक है, वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर एम, जस्ट बिफोर एम मतलब कि साइड में एरो, जस्ट का मतलब साइड में एरो होता है ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर जेड और जेड के जस्ट बाद मतलब साइड में एरो, वैसे आप एरो नहीं भी देते तो भी चल जाता क्योंकि तीनों लाइन से आने वाले। आगे बोल रहा है आर डज नॉट लाइक बॉल, आर को बॉल नहीं पसंद है ठीक है, आर को बॉल नहीं पसंद है, तो यहां पर मैं ऐसे आर के सामने ऐसे बॉल लिख के क्रॉस कर देता हूं ठीक है, आर को बॉल नहीं पसंद। आगे आपको क्या बोल रहा है, एम वॉज नॉट बॉर्न ऑन 8th of May, 8 मई को कौन पैदा नहीं हुआ है भाई, एम वॉज नॉट बॉर्न ऑन 8th of May मतलब 8 मई को यहां पर एम नहीं आएगा, ये क्रॉस कर देते हैं। आगे आपको बोल रहा है एज मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक बॉल एज बॉर्न बिफोर बी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ध्यान से सुनिएगा, एज मेनी पर्सन वर बॉर्न After the one who likes ball, मतलब ball के बाद जितने भी person होंगे ठीक है, इसको note कैसे करना है वो भी बताऊंगा ध्यान से देखते जाइएगा, तो ball के बाद वाले जितने भी person होंगे उतने ही B के पहले होने चाहिए, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से note करेंगे, ये है ball ठीक है, इसके बाद जितने person हैं B से ऊपर उतने ही person होंगे, ये same है, तो ये line का मतलब होता है same, ball के नीचे जितने person हैं B के ऊपर जितने person हैं ये same होने चाहिए। इसको फिर से समझाता हूं, बॉल के नीचे अगर मान लो 4 लोग दिख रहे हैं आपको, तो बी के ऊपर भी आपको 4 ही लोग दिखने चाहिए, ये इस कंडीशन का मतलब है ठीक। आगे आपको क्या बोल रहा है, वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है ठीक है, यू वॉज बॉर्न आफ्टर एस, यू जो है ये एस के बाद बॉर्न होता है, तो ये बाद मतलब ये देखिए बीच में एरो, ये ऐसा हमने क्यों लिखा है इसको समझिएगा दोस्तों, ये इसको मैं थोड़ा ऐसे अलग कर देता हूं, देखिए यहां पर इसका मतलब क्या था, इमीडिएट ऊपर, अगर इमीडिएट ऊपर है तो साइड में एरो, इसमें बोला है कि बाद में है पर इमीडिएट है कि नहीं आपको नहीं पता, एक छोड़कर भी हो सकता है, दो छोड़कर भी हो सकता है, चार छोड़कर भी हो सकता है, तो आपको नहीं पता इसलिए बीच में एरो ठीक है। अब बोल रहा है डी वॉज बॉर्न आफ्टर पी, इसमें भी सेम कंडीशन ऐसी लगेगी भी, पी के बाद डी आएगा तो बीच में एरो दे दो, डी वॉज बॉर्न आफ्टर पी, इमीडिएट तो बोला नहीं है तो आपको नहीं पता कितना नीचे है तो बीच में एरो दे दो। The number of persons were born after the one who like ball is one more than the number of person were born before the one who like pen. ये condition भी बहुत important है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या बोल रहे थे यहां पर, The number of persons were born after the one who like ball. भाई ball के बाद जितने भी हैं, यहां पर लिख देते हैं, ball के बाद जितने भी हैं ठीक है, is one more than, वो एक ज्यादा है किससे, then the number of person were born before the one who like pen, मतलब pen वाले से ऊपर जितने भी लोग होंगे, तो ये वाला plus one कर दो, मतलब ball के नीचे एक ज्यादा होने चाहिए pen के ऊपर वाले से। इसको मैं दूसरे उसमें explain करता हूं कि मान लो अगर pen के ऊपर आपको 3% दिख रहे हैं, अगर pen के ऊपर आपको 3% दिख रहे हैं ठीक है, तो ball के नीचे आपको 4% दिखेंगे, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है बोथ वी एंड आर वर बॉर्न ऑन द सेम डेट, वी और आर का डेट सेम है, मैं यहां पर लिख देता हूं वी आर डेट सेम ठीक, तो ये चीज मैंने यहां पर नोट कर दिया। मोर देन वन पर्सन बॉर्न बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में एक से ज्यादा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पी और वी के बीच में प्लस वन, प्लस वन का मतलब एक से ज्यादा, एक नहीं होना चाहिए, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन एक से तो ज्यादा होगा ये हमको पता है बस। अब दोस्तों बताइए कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए एक बार कि कहां से स्टार्ट कर सकते हैं आप। इसमें पहले तो ये पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं,
चलिए बताइए कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो? काफी लोग बोल रहे हैं गोल्फ एट से स्टार्ट करना चाहिए, गोल्फ एट से स्टार्ट करना चाहिए, काफी लोग बोल रहे हैं। कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है गोल्फ 8 तारीख को होना चाहिए, आपको पता है गोल्फ 8 तारीख को होना चाहिए, गोल्फ जो है वो 8 तारीख को होना चाहिए। तो कंफर्म है 8 तारीख आपको सिर्फ तीन ही दिख रही है, एक ये और एक ये, कहीं से भी आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। चलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फिंगर रूल का आप अप्लाई करिए, अगर आपको आता है तो, नहीं आता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। गोल्फ एट, मैं आप लोगों को यहां पर फिंगर रूल तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत बड़ा बोर्ड है, उसके लिए आप लोग फ्री वीडियोस जो अनअकैडमी के ऐप पर अवेलेबल है आप वो देखकर सीख सकते हैं। तो उसमें करीब 500 पजल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देख देख कर प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको लिख के ही समझाऊंगा, ठीक है? तो गोल्फ एट को सपोज करो, चलो मैं यहां पर लेता हूं, क्या ये पॉसिबल है? लेके देख लेते हैं, ये गोल्फ, ठीक है, गोल्फ वाला यहां पर आ जाएगा। अब देखो गोल्फ वाले से आपको पता है तीन छोड़कर आर होना चाहिए, 1 2 3 छोड़कर यहां पर आ जाएगा R, आएगा? कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आपके पास एक बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, इसको आप अगर समझ गए बहुत आसानी से आप बना लेंगे। सोचिए थोड़ा सा, दिमाग लगाइए। देखिए दोस्तों यहां पर ना ये वाली जो कंडीशन है ना, इसको अगर आपने गलत समझ लिया तो आप गलत बना लोगे, अगर इसको आपने गलत समझ लिया तो गलत बना लोगे। इस कंडीशन को ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर एक बार क्या बोल रहा था, यहां पर द वन हु लाइव गोल्फ वॉज बॉर्न ऑन इवन डेट, 3 पर्सन वॉज बॉर्न, ये हो गया था, वी वॉज बॉर्न ईदर इमीडिएट बिफोर ऑफ द मंथ, मतलब मंथ के पहले या मंथ के बाद, डेट नहीं है, डेट नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, वो मंथ है। मतलब कि आर अगर इस मंथ पे आया है तो सेम डेट पर, ये देखो वी और आर सेम डेट होना चाहिए ना, तो इसके जस्ट पहले वाले मंथ का 3 तारीख यानी कि ये, यहां पर वी आ जाएगा। ये आपका की पॉइंट था, ये वाला कंडीशन, अगर ये आप समझ गए बहुत आसानी से आप बना लोगे। अब वी को क्या पसंद है, बैट पसंद है, यहां पर लिख देते हैं बैट। अब देखिए दोस्तों और आपके पास कौन सी कंडीशन इसमें दिख रही है, सोचिए थोड़ा सा। आर को बॉल नहीं पसंद है, आर को बॉल नहीं पसंद है, पी और वी, पी और वी को कैसे सेट कर सकते हो? कंडीशन सही पकड़ रहे हो लेकिन बताइए कैसे सेट कर सकते हो पी और वी को? भाई वी आपके पास आ चुका है यहां पर, बॉल के नीचे और बी के ऊपर, देखिए दोस्तों ऐसे कंडीशन नहीं पकड़ा जाता, कंडीशन ऐसे पकड़ा जाता है, इसको देखो जेड बॉल एम, इसको क्यों पकड़ रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास ये तीन सबसे ज्यादा स्पेसेस फिल हो रही है, ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं, सपोज करो अगर मैं जेड को यहां पर रखता हूं, सपोज कि अगर मैं जेड को यहां पर रखता हूं टॉप पे, तो क्या हो जाएगा, बॉल यहां पर आ जाएगा, एम यहां पर आ जाएगा, पॉसिबल है ना? मतलब ये हमारा पॉसिबल हो रहा है, ये तीन, ये ऐसा, ये तीन पॉसिबल हो रहा है, ये वाला, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर मान लो मैं जेड को यहां पर रखता हूं तो भाई बॉल तो यहां आ नहीं सकता, जेड को यहां रखता हूं बॉल तो यहां आ नहीं सकता, जेड को यहां रख नहीं सकते, जेड को यहां रखोगे बॉल तो यहां आ जाएगा पर एम नहीं आ पाएगा, जेड को यहां रखोगे तो बॉल यहां आ जाएगा बट आर को बॉल नहीं पसंद होना चाहिए, ये देखो यहां पर बोला है, नहीं रख सकते। यहां पर भी आप जेड को रख नहीं सकते, जेड को यहां पर रखोगे बॉल यहां आ जाएगा पर एम के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, मतलब आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, वो है आर, सॉरी जेड, माफी चाहता हूं,
ये देखो ये जेड, उसके नीचे था बॉल और बॉल के जस्ट नीचे था एम। सिर्फ यही पॉसिबिलिटी आपके पास बच रही थी। अब देखो बॉल के नीचे जितने भी लोग हैं तो कितने लोग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वो एक ज्यादा है पेन के ऊपर वाले लोगों से, मतलब पेन के ऊपर कितने लोग होने चाहिए, 6 1 2 3 4 5 6 पेन। और कौन सी कंडीशन थी हमारे पास, ये वाली, भाई बॉल के नीचे जितने लोग हैं हमको कितने लोग दिखे, 7 लोग दिखे ना, तो बी से ऊपर उतने ही लोग होने चाहिए, मतलब बी यहां पर आ जाएगा, तो बी से ऊपर 7 लोग हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा ये चीज। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है यहां पर कि ये देखो एस से एक छोड़कर यू है, ये देखो एस से नीचे है ना यू, और एस से एक छोड़कर यू होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन है आपके पास। क्या इसको आप सेट कर पाओगे एस और यू को, क्या आप एस और यू को सेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि भाई 1% का गैप चाहिए ना, यहां पर भी देखो 2% के गैप दिख रहे हैं, यहां पर भी 2% के गैप दिख रहे हैं, तो आप एस और यू को तो सेट ही नहीं कर पाओगे, कंडीशन गलत, कंडीशन गलत, इरेज कर दो भाई इसको, मतलब हमने कंडीशन गलत ली। अब देखो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, अगर आप फिंगर रूल का यूज करते हैं तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बार बार इरेज करना या नई नई पॉसिबिलिटीज बनाना ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां से स्टार्ट किए थे बस वो आपको याद रखना है, जब तक आपको फिंगर रूल से पॉसिबिलिटी चेक करना नहीं आ जाता तब तक आप चीजों पर गौर कीजिए कि कौन सी कंडीशन को आप पहले उठाए थे, बिल्कुल उसी फ्लो में आपको बढ़ना है आगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, गोल्फ 8 को यहां पर कहां पर सेट किया था, गोल्फ 8 को टॉप पे सेट किया था ना, अब हम यहां पर गोल्फ को सेट करते हैं, ये हो गया गोल्फ, ठीक है। तो ये वाला गोल्फ हमने ले लिया इस वाले 8 तारीख को, तो गोल्फ से 3 छोड़कर आर, देखो 3 छोड़कर नीचे कोई जगह नहीं है, 3 छोड़कर ऊपर आर यहां पर आ जाएगा। अब अगर R 5 तारीख को है तो V भी सेम डेट होना चाहिए, जस्ट नीचे वाले मंथ में देखो R अगर 5 में है तो यहां पर V आ जाएगा, V और R डेट सेम होनी चाहिए, 5 तारीख इसका 5 तारीख इसका, R के जस्ट ऊपर वाले मंथ में होना चाहिए या तो R के जस्ट नीचे वाले मंथ में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा हमने सेट कर लिया इसको। अब देखो आपको क्या पता है, V जो है उसको बैट पसंद है, यहां पर लिख देते हैं हम बैट, ठीक। इसके बाद हमने कौन सी कंडीशन सेट की थी जल्दी बताइए, हमने इसके बाद कौन सी कंडीशन सेट की थी, इसके बाद हमने पिछली कंडीशन में जो हमने चेक किया था बिल्कुल उसी प्रकार से आपको चेक करना है कि अब आप कौन सी कंडीशन को सेट कर सकते हो। Z बॉल M, चलिए चेक करते हैं Z बॉल M को। भाई Z को अगर मैं यहां पर रखूंगा तो R बॉल हो जाएगा, जो कि यहां पर मना किया गया, R बॉल नहीं हो सकता, Z को मैं यहां रख नहीं सकता। Z को यहां रखूंगा बॉल तो हो जाएगा बट M नहीं आ पाएगा, Z को यहां रखूंगा तो बॉल नहीं आ सकता, Z को रखूंगा पॉसिबल नहीं है, Z को रखूंगा बॉल यहां पर आ जाएगा M यहां पर आ जाएगा, Z को यहां रखूंगा बॉल यहां आ जाएगा M यहां आ जाएगा, तो M तो यहां आ नहीं सकता, आपको कंडीशन गलत हो जाएगी। मतलब आपके पास सिर्फ ये वाली पॉसिबिलिटी बच रही थी, ये वाली, कैसे, Z बॉल और M, हो गया ना सेट, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच रही थी, हमने सेट कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या चीज को सेट कर सकते हो, क्या चीज को सेट कर सकते हो, सोचो जल्दी से भाई। आपको बॉल मिल गया ना, बॉल के नीचे एक ज्यादा होना चाहिए पेन के ऊपर से, तो भाई बॉल के नीचे 2 है तो पेन के ऊपर 1 होना चाहिए, ये हो गया पेन। बॉल के नीचे 2 लोग हैं तो बी के ऊपर 2 लोग होने चाहिए, ये 2 लोग हो गया, बी यहां पर आ गया। अब भाई यही जगह बच रही है आपके पास एस और यू के लिए, एस यहां पर, यू यहां पर, पी के नीचे डी होना चाहिए, पी यहां पर, डी यहां पर। सॉल्व एक बार चेक कर लीजिए, कुछ गलत है तो दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे फिर, क्या ये सही है जल्दी बताइए, क्या ये सही है, सही है बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से कंडीशंस को उठाना चाहिए, किस तरीके से आप पॉसिबिलिटीज को चेक कर सकते हैं। हर पॉसिबिलिटी के लिए अलग अलग ऐसे कॉलम बना बना के लिख लिख के चेक नहीं करना है दोस्तों, ऐसा करते रहोगे तो काफी समय लगेगा आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी से, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए फटाफट।
जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है SBI PO का कोर्स अनअकैडमी प्लस पर, प्री और मतलब प्री के लिए। मेंस के बैचेस जो हैं वो उसके बाद चालू होंगे 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल से मेंस का बैच चालू हो जाएगा SBI PO के लिए, रीजनिंग और मैथ्स दोनों का। और अभी क्लर्क मेंस के बैचेस चल रहे हैं तो आप सारे कोर्सेस एक्सेस कर पाएंगे। RRB के कोर्सेस जून में आ जाएंगे, वो भी आप एक्सेस कर पाएंगे। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको बस ये कोड इस्तेमाल करना है अंकुश YT 10, 10% के डिस्काउंट के लिए। और सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं पूरा एक साल तक, अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। प्लस कोर्स कैसे लें? अनअकैडमी.com की वेबसाइट पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, बैंक एग्जाम सिलेक्ट कीजिए, ये कोड अप्लाई करके डिस्काउंट ले लीजिए, आपके पास कॉइन्स हैं उसको भी रिडीम कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। मेक श्योर कि बैंक एग्जाम सिलेक्टेड हो। पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की? मेरे हिसाब से दोनों की तैयारी साथ में होती है, अलग अलग नहीं होती, तो आपको साथ में तैयारी करनी चाहिए दोनों की। पॉसिबिलिटी एक साथ क्यों नहीं लेते सर? क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी में बनाना चाहिए हमको, हमको अलग अलग पॉसिबिलिटीज नहीं लेनी चाहिए। आप पॉसिबिलिटीज को चेक करो, ओरली चेक करो, फिंगर रूल से चेक करो, लिख लिख के चेक करते रहोगे तो काफी टाइम वेस्ट होता है। सिंगल वेरिएबल में तो चलो आप दो तीन पॉसिबिलिटी भी बना लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ते जाते हैं तो आपका टाइम कंज्यूम बहुत होता है उसमें। चलिए, काफ़ी सारे लोगों का सॉल्व हो चुका है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए था। 8 पर्सन दैट इज PQRSJKLNM आर सिटिंग अराउंड 2 circular tables, 1 table इज इनसाइड द अदर, 4 persons आर सिटिंग अराउंड इनर सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर एंड रेस्ट अराउंड द आउटर टेबल फेसिंग टू द सेंटर। तो यहां पर बोला क्या है? आपको बोला है कि यहां पर 2 circle है, ठीक है, यहां पर ऐसे 2 circle है। आपको बोल रहा है कि 4 persons जो हैं वो कहां पर बैठे हैं? सिटिंग अराउंड इनर सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये ऐसे बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये 4 लोग इनर सर्कल पे बैठे और बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। आगे बोल रहा है एंड रेस्ट अराउंड द आउटर टेबल फेसिंग टू द सेंटर, ये ऐसे फेस कर रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका अरेंजमेंट बनने वाला है। अब आपको आगे क्या बोल रहा है? पर्सन सिटिंग इन इनर टेबल और फेसिंग पर्सन सिटिंग इन आउटर टेबल। तो भाई अंदर वाले जो हैं, ये देखो, ये फेस कर रहे हैं ना एक दूसरे को, ये ऐसे बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये बस उसी तरीके से फेसिंग ईच अदर, ठीक है। आगे बोल रहा है पी फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एम, पी फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एम, M के थर्ड टू राइट में जो भी बैठा होगा उसको P फेस करता है। M के थर्ड टू राइट में जो भी पर्सन बैठा होगा इस पर्सन को P फेस करता है। L इज द नेबर ऑफ M, L जो है वो M का नेबर है, मतलब कि L यहां पर आएगा इन दोनों जगहों में से कहीं पर। आगे आपको बोल रहा है L फेसेस द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, S के इमीडिएट राइट में जो भी पर्सन बैठा है उसको L फेस करता है। फिर से पढ़ लीजिए, L फेसेस द वन, L फेसेस द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, S के इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठा है उसको L फेस करता है। R डज नॉट सिट नेक्स्ट टू J, R जो है ये J के अगल बगल में नहीं होना चाहिए।
आगे बोल रहा है, एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू के, एस जो है वो के अगल बगल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। के डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आर, के जो है वो आर के नेक्स्ट में नहीं बैठा है, तो चलिए यहां पर के को से क्रॉस कर देते हैं, आर के अगल बगल में के नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहा है आपको, एम डज नॉट सिट ऑन द सेम टेबल विथ क्यू, मतलब एम और क्यू साथ में टेबल पे नहीं होने चाहिए, सेम टेबल में नहीं होने चाहिए, इनको अलग अलग कर देंगे, एम अलग है क्यू अलग है, मतलब एम अगर बाहर वाले में है तो क्यू अंदर वाले में होगा, एम अगर अंदर वाले में है तो क्यू बाहर वाले में होगा, ठीक है। क्यू डज नॉट फेस एम, क्यू जो है वो एम को फेस नहीं करता, ठीक है, क्यू एम को फेस नहीं करता। के डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एम, के जो है वो एम के बगल में नहीं बैठता, तो यहां पर लिख देते हैं के एम के बगल में नहीं बैठता, ठीक है। क्यू डज नॉट फेस एम एंड के भी था, ठीक है ना, क्यू डज नॉट फेस एम एंड के भी था, ठीक है। तो क्या बोला है यहां पर, क्यू डज नॉट फेस एम एंड के, क्यू जो है वो एम और के दोनों को ही फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। के डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एम, के जो है वो एम के अगल बगल में नहीं बैठता। क्यू फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको अच्छे से समझिए। Q faces away from the center, मतलब कि सेंटर से बाहर की तरफ Q देख रहा है, मतलब Q तो अंदर वाले में ही आने वाला है। अब अगर Q अंदर वाले में आने वाला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसको ध्यान से पढ़िएगा, काफी लोग गलत पढ़ रहे हैं, M inner बोल रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़िए। Q faces away from the center, तो देखिए ये तो सेंटर की तरफ देख रहे हैं ना सब, बट ये वाले लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं ऐसे, तो अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब क्यू तो बीच वाले में ही आने वाला है, और क्यू और एम दोनों अलग अलग टेबल पे होने चाहिए, तो अगर क्यू अंदर वाले टेबल पे आने वाला है तो एम बाहर वाले टेबल पर आने वाला है, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे क्या बोल रहा है, आर डज नॉट फेस के, आर जो है वो के को फेस नहीं करता, तो यहां पर लिख लेते हैं भाई, आर जो है ये के को फेस नहीं करता। पूनम कुमारी आप जाइए अपने घर में अपने पेरेंट्स से कुछ सीखिए पहले कि किस तरीके से बात की जाती है, शायद आपके पेरेंट्स आपको यही सब सिखाते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आपको, उम्मीद करता हूँ बहुत आगे जाएंगे और अपने माँ बाप का नाम बड़े ही अच्छे से आप रोशन करेंगे पूनम जी। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेन कंडीशन कौन सी थी जिससे हमको स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है जल्दी बताओ भाई, मेन कंडीशन जो अभी मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले, M और Q से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि भाई Q जो है, यहां पर आपको बोला ना Q डज नॉट फेस M एंड K, और Q के लिए क्या बोला था, Q फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब Q अगर अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है, आप Q को कहीं पर भी ऐसे ले सकते हो, ठीक है, क्यू को कहीं पर भी ले सकते हो, बट हम क्यू से स्टार्ट नहीं करेंगे दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे एम से, क्योंकि हमको एम से रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस दी हुई है, क्यू से रिलेटेड कंडीशंस बहुत सारी नहीं दी हुई है, ठीक है ना। तो मैं ये क्यू को इरेज कर देता हूं, मैं इसको एम से स्टार्ट करता हूं। देखिए सपोज करो एम को मैं यहां पर लेता हूं, क्यों, क्योंकि हमको पता है ना भाई क्यू अंदर वाले टेबल पर आने वाला है, मतलब कि एम बाहर वाले टेबल पर आने वाला है, तो एम अगर यहां पर आएगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला पर्सन इसको कौन फेस कर रहा है, पी, मतलब कि पी यहां पर आ जाएगा, तो ये चीज हमने सेट कर दिया। एम का नेबर एल होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एम का नेबर एल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एल या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा, बट एल जिसको फेस कर रहा है वो एस के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, वो एस के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, एल जिसको भी फेस कर रहा है वो एस के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, ठीक। अगर सपोज करो मैं L को यहां पर लेता हूं, सपोज ना मैं L को यहां पर लेता हूं, तो L जिसको फेस कर रहा है वो कहां होना चाहिए, वो S के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, मतलब S यहां पर आएगा, ऐसा S का राइट ये पर्सन इसको L फेस कर रहा है, यही होगा ना, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा भैया। देखो L फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, M का नेबर L होना चाहिए, ये देखो M का नेबर L, तो अगर M का नेबर L को मैं यहां पर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, L जिसको भी फेस कर रहा है, L इसको फेस कर रहा है ना,
तो ये पर्सन जो है, ये वाला एस के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। देखो एस बाहर की तरफ देख रहा है, इमीडिएट राइट में ये पी एल इसको फेस कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों कौन सी कंडीशन आप सेट कर सकते हो इसमें, सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगा, जब तक खुद से दिमाग नहीं लगाओगे दोस्तों एग्जाम में नहीं बनेंगे क्वेश्चंस। हमेशा फिर यही बोलते रहोगे मुझसे पजल नहीं बनते, पजल इंप्रूव नहीं हो रहा है, पजल इंप्रूव कैसे करें। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सारी कंडीशंस को देखो, सारी कंडीशंस में अलग अलग कर देता हूं ये नोट सबको अलग अलग, एक एक बार देखो आपको समझ में आने लगेगा कि भाई कौन सी कंडीशन मुझे सेट करनी चाहिए। आर क्यू चेक करिए, आर और क्यू को चेक करें। काफी लोग बोल रहे हैं कि आर और क्यू को चेक करना चाहिए, चलो ठीक है आर और क्यू को पहले चेक करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि भाई ये कंडीशन हमारी सही चल रही है या नहीं चल रही है। देखिए दोस्तों हमने अभी क्या किया है ना, हमने M के लेफ्ट में L को इमेजिन किया है, ये अभी फिक्स पॉसिबिलिटी नहीं बनी है, हो सकता है ये गलत हो जाए तो हम L को इस तरफ लेंगे, ठीक है ना। तो ये हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, हो सकता है ये सही भी हो जाए, हमको नहीं पता। अब क्या करना है दोस्तों, या तो आप दो सर्कल बना लो, भाई आपकी चॉइस है, मैं सिंगल सर्कल पे ही करता हूं हमेशा। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा था, एम का नेबर के नहीं होना चाहिए। ये देखो इस कंडीशन को अच्छे से देखना, M का नेबर K नहीं होना चाहिए। M का नेबर K मतलब K यहां पर तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना M यहां पर, K यहां पर नहीं आ सकता। दूसरी चीज आपको और क्या बोला है, K जो है वो S के बगल में भी नहीं आएगा, मतलब K जो है वो यहां पर भी नहीं आ सकता। भाई K अगर इन दोनों जगहों पर नहीं आ सकता तो K के लिए कौन सी जगह बच रही है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बच रही है K के लिए। चलो मैं यहां पर ऐसे K को रख देता हूं, भाई ना एस का नेबर के है ना एम का नेबर के है, इधर एल और पी ऑलरेडी हो चुके हैं तो के लिए तो सिर्फ यही जगह बची ना। अब इसमें देखिए दोस्तों के ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है, आपको नहीं पता, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एक चीज का, ध्यान दीजिएगा आपको बोल रहे क्यू जो है वो के को फेस नहीं करता। भाई अगर मान लो मैं के को यहां रखता हूं तो क्यू को यहां मैं नहीं रख पाऊंगा, ठीक है ना। के को मैं अंदर रखूंगा तो भी क्यू को मुझे यहीं पर रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्यू तो अंदर ही वाले में आने वाला है ना। तो अगर के को मैं यहां रखूं तो क्यू फेस नहीं कर सकता, और के को मैं अंदर रखूंगा तो भी मुझे क्यू को यहीं रखना पड़ेगा, तो डेफिनेटली क्यू की तो जगह फिक्स हो गई ना कि कहां आने वाला है, तो क्यू को सेट कर दो यहां पर। अब क्यू आपका सेट हो चुका है दोस्तों, अब इसके बाद और देखिए कौन सी कंडीशन को आप सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको एक चीज की कंडीशन पता है कि भाई आर जो है वो के को फेस नहीं करता और आर जो है वो के का नेबर भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, आर जो है वो के को फेस नहीं करता और आर जो है वो के को फेस नहीं करता और नेबर भी नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं है ना। तो अगर मान लो मैं के को यहां अंदर लेता हूं, सपोज कि मैं अंदर ले रहा हूं के को, तो भाई आर तो यहां आ नहीं सकता, तो आर यहां पर आएगा। अगर सपोज करो मैं के को यहां पर लेता हूं तो आर तो कहीं आ ही नहीं पाएगा, ना फेस कर रहा है ना नेबर है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, के को अंदर लेना पड़ेगा, आर को मुझे यहां पर लेना पड़ेगा, ऐसा। यही एक पॉसिबिलिटी बच रही थी मेरे पास, और तो कोई जगह बची नहीं रही थी। अब इसमें चेक करो क्या ये कंडीशन सही है, आपके पास बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची है और वो था जे, जे को यहां पर रख दो। बट इससे क्या हो जाएगा, कंडीशन गलत, क्यों, क्योंकि जे जो है वो आर का नेबर नहीं होना चाहिए, तो जे आर का नेबर हो गया, कंडीशन गलत हो गई, कंडीशन गलत हो गई ना। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा समझ में आया कि भाई ये अब इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी बच नहीं रही है, तो हमने जहां से अपनी पॉसिबिलिटी लेना स्टार्ट किया था आप वापस से उसी जगह पे चले जाओ, सारी चीजों को पलट दो, आपका क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा।
जैसे कि हमने M से स्टार्ट किया था ना, M से हमने क्या स्टार्ट किया था, M से दो पर्सन छोड़कर थर्ड वाले पर्सन को P फेस कर रहा था, M से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको P फेस कर रहा था। हमने M से L को लेफ्ट तरफ में बनाया था, इस बार हम L को राइट की तरफ में बनाएंगे। अब L जिस पर्सन को फेस कर रहा है, ये देखो L जिस पर्सन को फेस कर रहा है वो S का इमीडिएट राइट होना चाहिए, तो L इस पर्सन को फेस कर रहा है, ये S का इमीडिएट राइट होना चाहिए। आपको पता है M जो है ये Q को फेस नहीं करता, M जो है ये Q को फेस नहीं करता, तो अगर M Q को फेस नहीं करता तो Q यहां पर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इसके बाद देखो दोस्तों और कौन सी कंडीशन है जो आप सेट कर सकते हो, भाई आपको और क्या पता था इसके अलावा, आपको R वाली कंडीशन है, एक J वाली कंडीशन है, एक S वाली कंडीशन है। देखो ध्यान से देखना इस चीज को, भाई J जो है वो R का नेबर नहीं हो सकता, ठीक है ना, J जो है वो R का नेबर नहीं हो सकता, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, R और J साथ में नहीं आने चाहिए। आपके पास ये दो जगह दिख रही है और एक ये जगह दिख रही है, भाई अगर R को यहां रखोगे तो J यहां नहीं रख पाओगे, J को यहां रखोगे तो R यहां नहीं रख पाओगे, मतलब कोई एक यहां पर आने वाला है, कोई एक यहां पर आने वाला है, कोई एक बाहर में आने वाला है, कोई एक यहां पर आने वाला है। किसको रखोगे बाहर, किसको रखोगे, R को रखोगे कि J को रखोगे, R को रखोगे कि J को रखोगे, थोड़ा सोच के बोलना और जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूं इसको थोड़ा देख के बोलना, अंदर में R को रखोगे कि J को रखोगे, जो जितने भी लोग J बोल रहे हैं, देखिए दोस्तों अगर आप यहां पर J को रख देते हो तो R और K तो यहां पर रख नहीं पाओगे ना, क्योंकि नेबर नहीं होने चाहिए। R को यहां रखो, R को यहां रखो, अब आप किस, आपके पास क्या बचा है, J बचा है और K बचा है, भाई K M का नेबर नहीं हो सकता तो K को यहां पर रखो, J को यहां पर रखो, एक बार चेक करो अब सारी कंडीशंस, क्या ये सही है, सारी कंडीशंस एक बार चेक करो। देखिए कभी भी आपको लगता है ना मेरा पजल सही है या नहीं, एक एक कंडीशन एक एक करके चेक करते जाओ, समझ में आ जाएगा। यहां से देखते हैं, आर के को फेस नहीं करना चाहिए, तो भाई एस और के फेस कर रहे हैं, मतलब ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है। एल जिसको फेस कर रहा है वो एस का इमीडिएट राइट है, एल जिसको फेस कर रहा है वो एस का इमीडिएट राइट है, ये कंडीशन भी हो गई। M के थर्ड टू राइट वाले को P फेस कर रहा है, M के थर्ड टू राइट वाले को P फेस कर रहा है, M के बगल में L है, बिल्कुल है, ये कंडीशन भी हो गई, ठीक है ना। अब देखो इस वाले को, M के बगल में K नहीं होना चाहिए, तो M के तो इस तरफ में K है, मतलब बगल में नहीं है, ये भी हो गया। R के बगल में J नहीं होना चाहिए, R यहां है, J यहां है, ये भी नहीं है। S के बगल में K नहीं होना चाहिए, S के बगल में K है ही नहीं भाई, आमने सामने ही है, तो ये भी नहीं होगा। अब R से बगल में K होना नहीं होना चाहिए, R यहां है, K यहां है, ये भी सही है। इसमें देखो Q जो है वो M और K दोनों को फेस नहीं करना चाहिए, Q तो L को फेस कर रहा है, ये भी सही है। M और Q दोनों अलग अलग टेबल पे होने चाहिए, Q अंदर वाले में, M बाहर वाले में, ये भी सही है। तो सारी कंडीशंस अगर मेरी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों का भी बन गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे, 11:30 बजे यहां पर डेली क्लासेस हुआ करेंगी, सैटरडे संडे को कभी कभार क्लास नहीं लूंगा, कभी कभार ले भी लूंगा, तो इसलिए जो भी नोटिफिकेशन है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। और SBI PO का दोस्तों अगर आप लोग बैच अटेंड करना चाहते हैं तो SBI PO प्री का बैच 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, 16 मार्च से मैथ्स और रीजनिंग दोनों का, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का, ठीक है। मेंस के बैचेस जो हैं वो 21 अप्रैल से आ जाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के, सॉरी मैथ्स का 28 तारीख से आएगा, 21 और 28 अप्रैल है, मैथ्स का 28 अप्रैल को आएगा और रीजनिंग का 21 तारीख को आएगा मेंस का। तो ये सारे बैचेस आप अटेंड कर पाओगे दोस्तों, ये अप्रैल से मई जून तक ये कोर्सेज जाएंगे, पूरे जून तक ये पूरे कोर्सेज चलेंगे आपके। तो अगर आप लोग ये सारे कोर्सेज देखना चाहते हैं, जून के बाद आप लोगों का RRB के कोर्सेज चालू हो जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस के। तो अगर आप लोग दोस्तों ये सारे कोर्सेज देखना चाहते हैं और अभी SBI क्लर्क मेंस के भी कोर्सेज देखना चाहते हैं जो कि अभी ऑलरेडी रनिंग है, तो आप एक कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। तो ये कोड है अंकुश YT10, ये कोड अप्लाई करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है दोस्तों, उसके लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन करना है प्लस के पेज पर जाकर, और ये कोड अप्लाई करना है 10% डिस्काउंट। सारे टीचर्स की क्लासेस आप दे सकते हैं,
और सारे एजुकेटर्स की आप क्लास देख सकते, मतलब सारे टीचर्स की क्लासेस देख सकते हैं, सारे बैचेस आप देख सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। प्लस को अच्छी तरह से यूज करने वाला वीडियो आज मैं करता हूं उसको। गोविंद जी आइडिया नहीं है इसका, आप दूसरों से पूछिए एक बार। होगा क्लास होगा, लेकिन थोड़े लेट से होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों खत्म करते हैं सेशन को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और ये कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।